उधर हिमाचल प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि अभी भी पहले की तरह शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, साथ ही 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के सुझाव मिल रहे हैं। सरकार कोरोना को लेकर हर गंभीर पहलू पर विचार विमर्श कर रही है। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षण संस्थाएं जो है पहले की तरह ही बंद रहेंगी और 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का सुझाव मिल रहा है और इस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है और सरकार और प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से गंभीर है। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि हमारे नागरिकों का जीवन बचना चाहिए। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और अभी कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है, इस लहर ने सबको हिला करके रख दिया है। लेकिन उस सब के बावजूद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी प्रतिदिन, मैं कहूंगा कि हर क्षण हर घंटे कोरोना संबंधी ही जितनी बातें हैं उन सब का अपने आप रिव्यू करते रहते हैं और लगातार पूरे प्रदेश का प्रवास भी कर रहे हैं, जिसके कारण से अभी तक हम काफी बेहतर स्थिति में लग रहे हैं। जिस तरह का बाकी बहुत जगह पर ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं और प्रकार की कोई समस्या है, तो तुलनात्मक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बाकियों से बेहतर है। और इस सब के साथ है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उनको इस बीमारी से दूर रखना ये भी आवश्यक है। और इस बार हम देखेंगे कि ये जो वेरिएंट आया है, पिछले बार की तुलना में नौजवानों में भी एक बड़ी मात्रा में आ रहा है, जिसमें 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस आयु वर्ग के भी बहुत ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। और इसलिए अभी तक हमने विचार ये किया है कि फिलहाल तो जो सरकार ने तय किया है कि अब स्कूल कॉलेज इत्यादि जो 15 मई तक जो बंद रहने, तो उस सब पर चलेंगे और आगामी कैबिनेट की बैठक में भी उस पर चर्चा करेंगे। और अभी तक ये है कि 10वीं और प्लस वन के बारे में तो ये विचार है कि उनको हम प्रमोट करने की दिशा में विचार करेंगे और लोगों से भी सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं और फिर उसके आधार पर प्लस टू का पेपर हम कैसे कर पाएंगे उस पर कुछ सुझाव भी ले रहे हैं, तो अभी देखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि परीक्षा से काफी दिन पहले इसकी सूचना सभी को दे देंगे ताकि बच्चों को पढ़ाई का मौका भी मिल सके, ताकि उनका कोई ऐसा धर्म संकट भी ना रहे। लेकिन अभी सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि कोरोना से मुक्ति और ये कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, अभी तो इस ओर हम ज्यादा ध्यान दे पाए। ऑनलाइन क्लासेस क्या जारी रहेंगी सर, इन स्कूलों में भी सरकारी में? जी, ऑनलाइन कक्षाओं को हम प्रारंभ रखेंगे ताकि बच्चे किसी न किसी तौर पर तो कुछ ना कुछ तो जुड़े रहे। यह है कि सारी की सारी बातें कोई लगातार नहीं, अभी मैंने कहा कि आगामी कैबिनेट में और बाकी थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अभी तो अध्यापकों को वैक्सीनेशन के काम में बीच में लगाया है और वो भी जो स्थानीय स्तर पर जहां आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन का जो काम है, इस काम में यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत ओवरबर्डन हो गया है और यदि स्वास्थ्य विभाग के ही हमारे कर्मचारी बाहर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, अंदर टीकाकरण भी करना है, तो उस समय कई बार समय बहुत अधिक लगता है। और हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन के काम में समय ज्यादा लगता है जबकि टीकाकरण करने में वहां पर समय बहुत कम लगता है। कुल्लू का एक उदाहरण है कि एक स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी हैं, नर्स हैं नीलम पंडित, जिन्होंने एक अकेली महिला ने एक दिन में 440 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। तो इसलिए उसमें ये थोड़ा सा विचार किया था कि जो बाहर रजिस्ट्रेशन के काम में हम सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान लें और साथ में ये कि शिक्षा विभाग के कुछ अध्यापकों का भी योगदान यदि हम लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का काम यदि जल्दी होता है तो उसके कारण जो टीकाकरण की जो गति है हमारी वो तेज होती है। तो अभी तो उस काम के लिए कहा था और वो भी स्थानीय स्तर पर जिस क्षेत्र में जो टीकाकरण होना, वही।